नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत में संघमित्रा मौर्य का एक वीडियो लगातार चर्चा में बना हुआ है, जिसमें वो योगी आदित्यनाथ के मंच पर रोती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि संघमित्रा का टिकट कटा था, इस वजह से वो रो रही थी। वहीं अब उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर तीखी टिप्पणी की है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की नेता और बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य को लेकर सख्त टिप्पणी की है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब संघमित्रा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो रोते हुए नजर आ रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे संघमित्रा को अपनी बेटी कहने में शर्म आती है। उसने मंच पर रोकर अपने पिता के चरित्र के विपरीत आचरण किया है। बेटी होने का मतलब ये नहीं कि उसकी गलतियां माफ हो गई। रोना धोना ओछी और बचकानी बातें हैं। सपा के पूर्व नेता ने कहा कि मुझे उसके टिकट कटने का कोई दुख नहीं, टिकट तो कटना ही था। मैंने उससे कहा था कि उसे आरक्षण खत्म करने वाले दल के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति की राजनीति करने वाले लोग अगर उनका आरक्षण खत्म करने वालों के साथ खड़े हैं, तो इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। जो सांसद रह चुका है वो दूध पीता बच्चा नहीं है, उसे खुद विवेक होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने से रोकती है। दरअसल मंगलवार को बदायूं से सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा से पहले बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो रोती हुई दिखाई दे रही थी। इसको लेकर कई अफवाहें उड़ी कि संघमित्रा अपना टिकट कटने की वजह से मंच पर रोने लगी। हालांकि उन्होंने बाद में इसका असली कारण बताया। संघमित्रा ने बताया कि उनके बगल बैठी यूपी सरकार की मंत्री गुलाबो देवी ने उन्हें राजा दशरथ की एक कहानी सुनाई, जिसे वो भावुक हो गई और उनकी आंखों में नमी आ गई। बीजेपी नेता संघमित्रा ने कहा कि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि टिकट कटने की वजह से रोने लग जाऊं। उन्होंने आगे कहा कि मैं पार्टी के उम्मीदवार दुर्विजय शाक्य के लिए चुनाव प्रचार कर रही हूँ। तो देखा आपने किस तरह अपने बयानों के जरिए विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बेटी पर तंज कसा है। अपने तीखे बयानों से अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य पर हमला बोला है। हालांकि संघमित्रा ने मंच पर रोने की असली वजह बताते हुए कहा कि उनके बगल में बैठी यूपी सरकार की मंत्री गुलाबो देवी ने उन्हें राजा दशरथ की कहानी सुनाई थी, वो कहानी सुनकर उन्हें रोना आ गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।